आपने कई बार खाई होगी गाजर की कढ़ी, आलू की कढ़ी, बूंदी की कढ़ी, जैसे कई तरह की कढ़ी खाना लोग पसंद करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है बेसन पकोड़े कढ़ी। देश के कई राज्यों में बेसन की कढ़ी को शुभ मानते हैं और त्योहारों और शादियों में भी इसे बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर कढ़ी बनाने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ बेसन और दही लिए हैं। तो देखिए, मैं यहाँ कटोरी में आधा कटोरी खट्टी दही ले रही हूँ, इसी से कढ़ी बहुत अच्छा बनता है। तो खट्टी दही को ही लेना है, और बेसन मैं यहाँ पर 100 ग्राम ले रही हूँ। तो इसमें से सबसे पहले मैं दही को एक बर्तन में डालेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर 3 चम्मच भर कर बेसन लूँगी। 100 ग्राम में से ही मैं इसे ले रही हूँ, और इसका घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, और यहाँ पर आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। दही और बेसन को यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लेना है। इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे, बस दही से ही अभी इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें एक भी गांठ नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से मिलाते हुए अब पूरी तरह से दही और बेसन मिल चुका है। तो मैं जिसमें दही ली थी, जिस कटोरी में, उसी कटोरी में मैं पानी ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी एक कटोरी ले रही हूँ, तो इसमें से आधा मैं थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से मिला लेंगे। एक ही बार पानी डालेंगे तो अच्छी तरह से बेसन नहीं मिलेगा, कहीं से गांठ भी रह सकता है। तो इस तरह से मैंने मिला लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं पूरे कटोरी का पानी डाल दी हूँ, तो मैं यहाँ पर और एक कटोरी, तो सभी मिलाकर मैं यहाँ पर 3.5 कटोरी पानी डालूँगी। तो यहाँ पानी भरपूर लेना है। मैं जितना मात्रा में कढ़ी बना रही हूँ, ये 4 आदमी के लिए भरपूर मात्रा में कढ़ी तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर 3.5 कटोरी यहाँ पर पानी डाल दी हूँ। तो आपको जितना बनाना है, उस अनुसार आप उस बर्तन का नाप ले सकते हैं। तो मैंने उसे साइड में घोल कर रख दिया है। अब बचा हुआ बेसन को मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ, और इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको घोल तैयार करेंगे। तो बस इसका पकोड़ा बनाना है। तो पकोड़ा के लिए जिस तरह से हम लोग बेसन तैयार करते हैं, बस उसी तरह से इसको तैयार करना है, पर थोड़ा थोड़ा पानी देकर ही इसे तैयार करेंगे। इसका गांठ नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से मिलाते रहेंगे, और देखिए, मैं एक ही डायरेक्शन में इसे घुमा रही हूँ। तो इसी तरह से इसे घुमाते रहना है कुछ देर तक। मुझे थोड़ा सा और गाढ़ा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालकर ही देखना है कि आपको कितना पतला रखना है। तो देखिए, मैं जिस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे मिला रही हूँ, उसी तरह से इसे मिलाना है। तो कुछ देर मिलाने के बाद देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब एक बर्तन में मैं पानी ले रही हूँ, और इस तरह से ट्राई करेंगे कि बेसन तैयार हुआ है पकौड़ा के लिए कि नहीं। अगर तैयार हो गया है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, ये बेसन तैयार हो गया है, पानी के ऊपर ये तैर रहा है। तो इसी तरीके से इसका घोल तैयार कर लेना है। अगर ये घोल तैयार नहीं होता तो ये पानी के नीचे बैठ जाता। तो अब इसमें मैं एक टुकड़ा प्याज का कटा हुआ, बारीक कटा हुआ ले रही हूँ। एक प्याज का आधा मैंने उसे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। यहाँ पर 1/2 इंच अदरक, जिसे मैं छोटे टुकड़ों में काट कर डाल रही हूँ। यहाँ पर थोड़े से धनिया पत्ते डालेंगे। ये सबको डालने से पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ 2 से 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ मैं, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर खाने वाला मीठा सोडा चुटकी भर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। और मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, तो स्वाद अनुसार मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ हल्दी। ये सभी को मिला लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डालेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ पर अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन डालने से पकौड़ा का स्वाद भी बढ़ जाता है, और पेट भी ठीक रहेंगे। तो ये पाचन क्रिया को सही रखते हैं। तो अजवाइन यहाँ पर ज़रूर डालिएगा। और जो मैं अदरक प्याज जितना भी चीज़ मैं यहाँ पर डाली हूँ, उससे बहुत ही अच्छे पकौड़े का स्वाद बढ़ जाता है और अच्छे लगते हैं। तो देखिए, इस तरह से हाथ में लेंगे,
और थोड़ा सा इस तरह से गरम तेल में गिराएंगे पकोड़े को। छोटा छोटा पकोड़ा बनाना है क्योंकि कढ़ी के अंदर जाके ये फूल जाएंगे। अगर चम्मच से आपको हाथ से नहीं बनाना है तो आप चम्मच से इस तरह से लेंगे और तेल में इसे गिराएंगे। देखिए इस तरह से छोटा सा पकोड़ा बनाएंगे। तो मैं हाथ से ही बनाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर तेल को चढ़ा दी हूँ चूल्हे पे। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर एक डालकर इस तरह से, देखिए पकोड़े बहुत अच्छे फूल रहे हैं, ऊपर आ जा रहे हैं। तो मैं इसी तरह से एक एक करके सारे पकोड़े तेल में डालूंगी। देखिए कितने फूले फूले पकोड़े बन रहे हैं और बिल्कुल ये कढ़ी के लिए बहुत ही अच्छे पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और कढ़ी को अच्छी तरह से सोख भी लेते हैं। इसके अंदर पकोड़े के अंदर कढ़ी बहुत अच्छे से चले जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये पकोड़े। तो मैं एक ही बार सारे पकोड़े को कढ़ाई में डाल दूंगी। देखिए इस तरह से, देखिए किस तरह से फूल जा रहे हैं। तो मैं इसे इस तरह से किनारे कर दूंगी और साइड में डालते जाऊंगी पकोड़े को। तो यहाँ पर मैंने सारे पकोड़े बना लिए हैं। देखिए अब मैं इसे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसे तल लूँगी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, पक जाए अच्छी तरह से पकोड़े। तो यहाँ पर देखिए मीडियम फ्लेम पर ही इसे पका लेना है। तो मैं पका ली हूँ, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तो मैंने इसे निकाल लिया है, अब देखिए। तो मैं एक प्लेट में इसे रख देती हूँ। अब उसी तेल को मैंने खाली कर लिया है और बस एक बड़े चम्मच में मैंने तेल को कढ़ाई में रखा है। तो यहाँ पर मेथी दाना आधा चम्मच से थोड़ा है और जीरा आधा चम्मच है और सरसों यहाँ पर आधा चम्मच है। तो सभी को डाल देंगे और मैंने लो फ्लेम रखा है, तेल अच्छी तरह से गर्म है। तो जब चटक जाए सरसों, मेथी दाना, जीरा, तब इसमें अदरक और प्याज को डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर अदरक आधा इंच जिसे मैं छोटे टुकड़ों में काट कर डाली हूँ और प्याज एक जिसे मैं छोटे टुकड़ों में काट कर ली हूँ और एक करी पत्ता पूरा ही इसका डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक ही भूनना है। तो यहाँ पर मैं धनिया को क्रश करके इस तरह से डाल रही हूँ, हल्का सा दरदरा इसे कूट ली हूँ और मैं आधा चम्मच इसे डाल रही हूँ। तो यहाँ धनिया को डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो धनिया, मेथी, जो भी मैंने यहाँ पर मसाले डाले हैं तो उसे बहुत ज़रूरी है डालना। जब ये ब्राउन हो जाए प्याज, हल्का सा देखिए इस तरह से चेंज हो जाए इसका कलर, तो ही इसमें मैंने जो घोल तैयार किए थे दही और बेसन के उसे डाल देंगे और इस तरह से चला लेंगे। बीच बीच में इसे एक डेढ़ मिनट के बाद चलाते रहना है। उसके बाद मैं यहाँ पर हरी मिर्ची 6 ली हूँ। इस तरह से इसे बीच से चीरा लगाएंगे और इसे डाल देंगे। तो आपको यहाँ पर जितना तीखा खाना है उस अनुसार यहाँ पर डाल सकते हैं, पर इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब ये पक जाते हैं कढ़ी में। तो और स्वाद अनुसार नमक यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाली हूँ और इसे पकने देंगे। तो इसे 10 से 15 मिनट इसे मैं मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। तो इसे कढ़ी को अच्छी तरह से पकाना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा से यहाँ पर कढ़ी पकेगा उतना अच्छा यहाँ पर इसका स्वाद आएगा। तो ये यहाँ पर पक रहा है, तब तक मैं यहाँ पर देखिए आपको पकौड़े दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। देखिए अंदर कितना जालीदार बना हुआ है और बहुत सॉफ्ट बना है। ये कढ़ी को बहुत अच्छा से सोख लेंगे, अंदर तक बहुत अच्छा चले जाएंगे इसके अंदर और खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा बना हुआ है लगता है इसका, इस पकोड़े का स्वाद। तो यहाँ पर देखिए पकते हुए यहाँ पर हो चुका है 15 मिनट और कढ़ी यहाँ पर गाढ़ा भी हो चुका है। तो आपको कितना गाढ़ा रखना है उस अनुसार आप यहाँ पर बेसन डाल सकते हैं। इतना गाढ़ा कढ़ी बिल्कुल सही है क्योंकि अभी इसमें मैं पकोड़े डाल रही हूँ तो ये भी पकोड़े भी यहाँ पर कढ़ी को सोखेंगे। तो मैं अब फ्लेम को कर दूँगी बंद और इसमें पकोड़े को डाल दूँगी
तो ये चार आदमी के लिए बनकर बिल्कुल सही तैयार हो जाते हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया धनिया पत्ता। अब इसको तड़का लगाने के लिए मैं छोटे से कढ़ाई को चढ़ा ली हूँ और यहाँ पर 2 चम्मच भर कर घी डालेंगे। अगर आपको घी खाना पसंद नहीं है तो आप तेल में भी तड़का लगा सकते हैं। उसके बाद आधा चम्मच जब घी गर्म हो जाए तो यहाँ पर सरसों के दाने डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, 3 सूखी हुई लाल मिर्ची को मैं यहाँ पर डाल दूँगी, उसके बाद हींग डालेंगे चुटकी भर, और यहाँ पर मैं डालूँगी प्याज आधा टुकड़ा को, मैं बिल्कुल बारीक काट कर रखी थी तो उसे मैं डाल रही हूँ, और यहाँ पर 1 करी पत्ता डालेंगे। और ये सभी को मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर यहाँ पर तड़का लगाने के लिए भून रही हूँ। तो प्याज को यहाँ पर ब्राउन होने तक भूनना है लो फ्लेम पर, नहीं तो जल जाएंगे प्याज। इसे ब्राउन करना ज़रूरी है और ब्राउन करने से ही यहाँ पर तड़का का स्वाद बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ब्राउन हो चुका है तो मैं फ्लेम को कर दी हूँ बंद, और यहाँ पर लाल मिर्ची 1/2 चम्मच डालेंगे और इसे इस तरह से मिला लेंगे और कढ़ी में इसे डाल देंगे। तो ये तड़का ज़रूर लगाइएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट कढ़ी का बढ़ जाता है। तो उसके बाद इसे मिला देंगे सभी को डालने के बाद, और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं देखिए अब इसे खाने के लिए भी निकालने वाली हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल सही गाढ़ा बना है, ना तो पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। मैं यहाँ एक पकौड़े को काट कर दिखाऊँगी, कढ़ी इसके अंदर तक चला गया है। अभी 5 ही मिनट हुआ है पर कुछ देर के बाद और भी इसके अंदर चले जाएंगे कढ़ी।